बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। वर्ल्ड कप की आगाज में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उससे पहले बीसीसीआई वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहा है। इस बार की ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास रहने वाले हैं, क्या कुछ मेहमान आने वाले हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, उसके लिए सभी टीमें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी जो है वो 5 अक्टूबर को नहीं बल्कि 4 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी में पहला मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा। ओपनिंग सेरेमनी में अगर बात कर ली जाए तो लेजर शो का आयोजन होगा, जिसमें भारत के क्रिकेट के इतिहास को वहां पर लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत होने वाला है। इसके अलावा 10 टीमें जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, उन सभी टीमों के कप्तान वहां पर मौजूद होंगे। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि सभी टीमों के कप्तानों की जो फोटो सेशन होता है वो भी 4 तारीख को ही इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कप्तान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये भी सवाल है कि लोगों के पास भी मौका रहेगा इस ओपनिंग सेरेमनी को देखने का। दरअसल जिनके पास 5 अक्टूबर यानी कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मुकाबले का टिकट होगा, वो 4 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं, वो इस सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसको आईसीसी और बीसीसीआई एक तरीके से अगर आप देखें भव्य तरीके से मनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भारत के जो सांस्कृतिक जो भव्यता है उसकी यहाँ पर आपको झलक दिखने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी में अगर बात कर ली जाए किन किन कलाकारों का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें सबसे पहला नाम है आशा भोसले जी का, जो वहां पर सिंगिंग के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात कर ली जाए श्रेया घोषाल भी वहां पर आएंगे। इसके अलावा अरिजीत सिंह, रणवीर सिंह भी जो वर्ल्ड कप की अगर बात कर ली जाए वो लगातार आपको एड में भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी रणवीर सिंह भी आपको परफॉर्मेंस करते दिखेंगे। इसके अलावा तमन्ना भाटिया और शंकर महादेवन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे। तमन्ना भाटिया आपको आईपीएल के भी अगर आप बात कर लीजिए सेरेमनी में नजर आई थी, तो ये तमाम जो परफॉर्मेंस की लिस्ट है वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक भव्य तरीके से आयोजन होने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की जो खबर आ रही है कि इस वर्ल्ड कप का जो आगाज होगा यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में सबसे ज्यादा पैसा इस बार खर्च होने वाला है। देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर सेरेमनी की जाएगी, क्योंकि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज भी हो जाएगा। ऐसे उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप भी उसी तरीके से भव्य तरीके से वर्ल्ड कप भी हो। तो आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से आपका सबसे फेवरेट ओपनिंग सेरेमनी कब रहा है, कॉमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।